हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज पुनः ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए देखिए कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 2 काकी, यानी काकी नामक पाठ के लेखक कौन है? तो काकी नामक पाठ के लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। इस पाठ में यानी कौन काकी? काकी पाठ में इसमें बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। आइए देखिए, उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहरा मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। यानी सुबह जब हुआ है उस दिन, यानी बड़े सवेरे शाम को नींद खुली, यानी जो छोटा बालक है उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा, मतलब सभी लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसकी माँ जो थी नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुई थी, मतलब जो बालक था उसकी माँ जो एक भूमि पर सोई थी, नीचे से ऊपर तक क्या ओढ़ी थी? कपड़ा कंबल। अब भूमि प्रसन्न करने थे और पृथ्वी यानी धरती पर सोई थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे, मतलब उसे घर के बाकी जो सदस्य उसको घेर कर रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, यानी सब कुछ होने के बाद जब सभी लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तब उसके बाद जो बालक था श्यामू वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और उपद्रव मचाने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। वह लोगों के हाथ से छूटकर क्या हुआ? अपनी माँ के ऊपर जा गिरा, बोला काकी सो रही, यानी माँ क्या कर रही है? सो रही है। इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। यानी वो बालक बोल रहा है कि आप लोग मेरी माँ सो रही है, इसे उठाकर आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आप लोग को ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वह छोटा बालक है, उसको पता नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। वह अपनी माँ को अग्नि संस्कार में भी वहाँ न जा सका एवं दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाली रही। यानी एक जो दासी थी, बूढ़ी महिला थी, वह राम राम करके उस छोटे से बालक को घर पर ही संभाली हुई थी। यद्यप बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया, यानी गांव के जो लोग बुजुर्ग थे, विद्वान थे, उन्होंने उस बालक को विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई। उसके बाद वो जो गांव के बुद्धिमान ले तो बताएं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे मामा यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। लेकिन यह बात अधिक दिनों तक नहीं रह सका। उसके यानी उस छोटे से बालक को पता चल गया कि उसकी माँ यहाँ नहीं है, मामा यहाँ नहीं गए, वो कहाँ गई है? राम के यहाँ गई। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा सुन्न मन से आकाश की ओर ताका करता था। वह बालक कई दिनों तक रोते रोते उसका जो रोना था वह शांत हो गया, लेकिन वह चुपचाप ऊपर ताकता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। उसके बाद एक दिन वह बालक जो था छोटा श्यामू, वह एक पतंग को ऊपर उड़ते हुए देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। उसके बाद उसके मन में जो उदासी आई थी वह ने पिता के पास गया और पिता से बोला कि काका मुझे एक पतंग आज मंगा दो। पत्नी की
मृत्यु के बाद से विशेश्वर बहुत अनमोल रहते थे, यानी जो श्यामू था उनके जो पिता थे उनका नाम था विशेश्वर, वह पत्नी को उनकी माँ को यानी उनकी पत्नी को मर जाने के बाद वह बहुत अनमोल से रहती थी। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। उसके बाद विशेश्वर दास कहें कि ठीक है मैं मंगा दूंगा, इस तरह से उदास होकर कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, जो लड़का था श्यामू वह पतंग के लिए बहुत ही उत्कृष्ट था, उत्कंठित था, खुश था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा हुआ था। उसके बाद जब उनके पिता विशेश्वर कहीं चले गए तो उन्होंने उसी घर में रखे खूंटी में रखे विशेश्वर का एक कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उसके बाद एक स्टूल लाए और वहाँ लगा कर जेब को उन्होंने टटोलना प्रारंभ कर दिया। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके बाद जेब में से बालक एक चवन्नी पाया और वहाँ से चला गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। उसी महल में एक सुखिया दासी थी जो उसका लड़का भोला था, वह श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना कोई जान न सके। उसके बाद जो उसका मित्र श्यामू का मित्र जो साथी था भोला, उसको एक चवन्नी दिया और बोताएं और उसे बोला कि तुम एक पतंग और डोरे लाना चुपचाप, जो कि कोई भी उसको देख न सके। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोरे बांधे जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा भोला किसी से न कहो तो एक बात बताऊं। उसके बाद जो श्यामू था वह भोला से बताया कि मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आप किसी से न कहें तो। भोला ने सिर हिलाकर कहा नहीं किसी से न कहूँगा। उसके बाद जो भोला था उसका मित्र साथी था वो बोला कि मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, मैं लिखना नहीं जानता नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। उसके बाद बताया कि मैं यह पतंग अपने काकी के पास भेज रहा हूँ जो इसी की डोर को पकड़कर नीचे आएगी, लेकिन मैं नाम लिखना नहीं जानता।